कुछ लोग बोलते हैं हम इनकी हिदायत पे आए, हम उनकी हिदायत पे आए। अफसर खान को अल्लाह ताला हिदायत देता है और अल्लाह ताला की हिदायत पे अफसर खान कौम और मिल्लत के नौजवान बच्चों की मदद करने के लिए। मुस्लिम समाज तो सामने जो उसमें गुट था खादियानी, तो ये दोनों के बीच में ये निर्माण हुआ था झगड़ा। पीछे क्या बोलते बनता है, वो बनता है मोदी साहब। आज ये कोर्ट में क्या मैटर था, इस दिन आरोपी किस केस में लाए गए? कल 22 जनवरी को पड़ेगो एरिया में कासिमदरी दरगाह के पास में दो ग्रुपों में कुछ आपसी तनाव, पड़ोसियों से कुछ झगड़ा हो गया था। उसके ताल्लुक से वो झगड़ा बढ़ते हुए बड़े पैमाने पे हो चुका था, उसमें कई लोग जख्मी हुए आपसी जो है तो पत्थरबाजी वगैरह से। तो जिसमें जो है तो क्राइम नंबर 37 2024 में मुस्लिम समाज जो है, और दूसरा जो है तो सामने जो उसमें गुट था खादियानी, तो ये दोनों के बीच में ये निर्माण हुआ था झगड़ा। और इसके कारण इसमें जो है तो दोनों पे सेम FIR हुई है कि 307, 147, 148, 150 ऐसी हाफ मर्डर और दंगल की केस इस पर लगाई गई, जिसमें आज पुलिस की जानिब से 7 दिन का PCR मांगा गया था, जिसमें दीगर वकलाए है। टोटल आरोपी इसमें आज 26 अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। तो 26 को प्रोड्यूस करने के बाद पुलिस ने डिमांड की थी 7 दिन के PCR की, जिसमें हमारी बहस और सरकारी वकील की बहस के बाद कोर्ट ने 3 दिन का PCR दिया है उसमें 26 जनवरी के दिन। अब इनको 26 जनवरी के दिन दोपहर में 2:30 बजे कोर्ट में वापस से प्रोड्यूस किया जाएगा। दोनों सेम हुआ है, FIR भी सेम, सेक्शन भी सेम है। एक गुट में कितने कितने लोग थे? एक गुट में अभी फिलहाल तो 38 और ऐसे टोटल 40-50 है दोनों गुट मिलाकर। और इसमें दोनों में भी FIR में अनओड की 100 से 125 किया हुआ है। आप कौन से गुट के तरफ से केस लाए? ये सुन्नी जमात जो है हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ एडवोकेट। अफसर खान साहब के पास वो अप्रोच हुए थे कुछ लोग इसमें से, तो उनके तरफ से जो तो मुझे अपॉइंट किया गया और मैं इस केस को पैरवी कर रहा हूँ। मेरा नाम एडवोकेट जीशान सरफराज जैदी। अफसर खान साहब, आज आप कोर्ट में आए हैं, ये जो पड़ेगांव का मैटर है इसके भी क्या अपडेट है और आपने कितने लोगों को जामीन दे? देखिए, आज 22 तारीख को जो झगड़ा हुआ कासिमदरी दरगाह के पास खादियानी और मुस्लिम का, तो उसमें जिसमें से 25 से 26 मुस्लिम लोगों को यहाँ पर लाया गया कोर्ट के अंदर, और इसमें मैं नहीं, जैसे जीशान जैदी साहब को मैंने बोला, जीशान जैदी साहब काम कर रहे हैं, खान सलीम खान काम कर रहे हैं, साजिद बागवान काम कर रहे हैं, इवन फिजर पटेल उसमें काम कर रहे हैं, और भी वकील सरफराज जैदी साहब उसमें काम कर रहे हैं, अनेक वकील इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें 25 से 26 लोगों को यहाँ लाया गया और अननोन बोल के ऐसे टोटल 100 से 125 लोग बोल रहे हैं। और 3 दिन का PCR दिया, 7 दिन का PCR उन्होंने मांगा था, लेकिन जीशान जैदी साहब ने, सरफराज जैदी साहब ने, साजिद बागवान ने, खान सलीम खान ने, फिजर पटेल ने, और भी आदिल बयानी और तुम्हारे परवेश, ये तमाम वकीलों ने एकजुट होकर जज साहब से बहस की। बहस करके 7 दिन से 3 दिन पे PCR आया
और 26 तारीख को उनको फिर कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और उस दिन मैं समझता हूं कि एनसीआर हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से और जल्द से जल्द बेल करने की कोशिश सारे हमारे वकील भाई और हम मिलकर करेंगे और अल्लाह के फजल करम से जल्द बेल कराने की कोशिश सारे हमारे नौजवान साथी को बाहर लाने की कोशिश हम करेंगे। अक्सर दंगल के केस भी नजर आते हैं अपहरण पे आते हैं तो ये भी वैसा ही मामला है। देखिए कौम और मिल्लत पे जब भी मुसीबत आती है दंगल हो या झगड़ा हो अफसर खान कुछ लोग बोलते हैं हम इनकी हिदायत पे आए हम उनकी हिदायत पे आए अफसर खान को अल्लाह ताला हिदायत देता है और अल्लाह ताला की हिदायत पे अफसर खान कौम और मिल्लत के नौजवान बच्चों की मदद करने के लिए कोर्ट के अंदर आ जाता है और अफसर खान की जान में जान जब तक है अल्लाह के फजल करम से कौम और मिल्लत पे जहां भी जुल्म अन्याय अत्याचार होगा उसके खिलाफ हमेशा के लिए अफसर खान खड़े रहेगा और अफसर खान अल्लाह की हिदायत पे यहां आता है अल्लाह अफसर खान को हिदायत देता है और मैं कौम और मिल्लत की मदद के लिए दौड़ के यहां आता हूं ऐसा मैं कहता हूं। इस बार भी आपके पास जमींदार तैयार है जैसा आपने किराड़पुरा दंगल में लिए थे बहुत सारी जमीन। देखिए किराड़पुरा दंगल में 64 बेले मैंने ले चुका हूं मैंने खुद ने 18 लिया मेरे बच्चों ने लिए भतीजों ने लिए दामाद ने लिए मेरे फ्रेंड सर्कल ने लिए और इसमें भी जो भी अगर हमसे मदद होती है बेल की तो बेल के डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करेंगे और नहीं हमारे पास अगर बेल नहीं है तो अल्लाह के फजल करम से कैश श्योरिटी से भी अगर ऑर्डर लिया तो अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए कैश श्योरिटी भी भरने के लिए तैयार है ऐसा मैं कहता हूं। जो लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें उनकी फैमिलीज को आप क्या मैसेज? उनके फैमिलीज को ये धीरज रखो हाथ से नहीं होना चाहिए था हो गया 2-4-8-10 दिन में बच्चे बाहर आएंगे इत्मीनान रखो अल्लाह पे भरोसा रखो अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए करता है और अल्लाह आगे भी अच्छा ही करेगा ऐसा मैं कहता हूं। इजरायली प्रोडक्ट बाकी चीज शुरू करूं का ना दोन इकडे करा रे एकदम चला येऊन दे दोन इकडे येऊन दे चला येऊन दे दोन इकडे दोन मिनिटं बघतो 22 का फक्त 22 घेईन का बाकी चीज शुरू करूं का ना दोन इकडे करा रे एकदम चला येऊन दे दोन इकडे येऊन दे चला येऊन दे दोन इकडे दोन मिनिटं बघतो 22 का फक्त 22 घेईन का Thank you.
धन्यवाद।